वेलकम टू माई चैनल नाइस एंड स्पाइस। गेट रेडी विथ मी एंड सी हाउ आई अचीव दिस लुक। लेट मी क्लियर वन थिंग हियर, आई एम नॉट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और मैंने कहीं पे कुछ सीखा भी नहीं है। जो भी सीखा है मैंने सेल्फ लर्निंग ही किया है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं कभी भी स्किन रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन सुपर ड्राई है। सबसे पहले मैं ये प्लम का फेस मिस्ट है वो स्प्रे करूंगी अपने फेस पे थोड़ी हाइड्रेशन के लिए। गाइस जस्ट नाउ मैंने शावर लिया है, बट स्किन केयर रूटीन में आपको CTM वाला मेथड प्रॉपरली फॉलो करना है। सी मीन्स क्लिंजर, टी मीन्स टोनर एंड एम मीन्स मॉइस्चराइजर। सो क्लिंजर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का, टोनर मैंने लिया है डॉट एंड की का। गाइस जो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है मैंने आपको स्क्रीन में शो कर दिया है। मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना है ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एज यू ऑल नो अबाउट मुंबई की गर्मी, Damn, it's hot as hell out here. Do you have any sunscreen, bro? Any sunscreen? सनस्क्रीन को हमें भर भर के अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग फेस पे तो सनस्क्रीन लगाते हैं बट हैंड एंड नेक के एरिया को एक कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर जगह पे सनस्क्रीन लगाना है। अच्छा ठीक है। स्किन केयर रूटीन को मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। एज यू कैन सी मेरी स्किन बहुत ड्राई है। वो ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करना पड़ता है। हर प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद में मैं 30 to 40 सेकेंड का ब्रेक लेकर के सेकेंड प्रोडक्ट को अप्लाई करती हूँ। स्किन रूटीन के जितने भी स्टेप्स थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर को फेस पे बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, इससे आपका बेस मेकअप की फिनिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप लेंस लगाना चाहते हैं तो लेंस लगा सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं कभी भी डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ। फाउंडेशन के साथ मैं रहने का ऑयल मिक्स करती हूँ और इसके बाद में फेस पे अप्लाई करती हूँ। ड्राई स्किन पे अगर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो बेस मेकअप में थोड़ा क्रैक आ जाता है, इसलिए मैं कभी भी फाउंडेशन पे रहने ऑयल या अदर कुछ ऑयल टाइप ऑफ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन को अपनी फिंगर की मदद से अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से डैब 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 कर लीजिए। आपका फाउंडेशन की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी। हम बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि आईज के नीचे, लिप्स के लेफ्ट एंड राइट एंड फोरहेड पे। इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब 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 कर लेंगे। बहुत से लोग आईब्रोज करना अवॉइड कर देते हैं, बट आईब्रोज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फेस मेकअप के लिए। मोटी मोटी या लंबी लंबी आईब्रोज हमें नहीं करना है, जो नेचुरल आईब्रो हमारी है उसको ही जस्ट फिल आउट करना है। आईब्रोज करने के बाद में अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप में सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लेंगे। ट्रांजिशन कलर में आपसे स्किन से मिलता हुआ कोई भी कलर आप लेकर के उसको बेस पे अप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं 2 या 3 शेड में मैंने ये आई लुक अचीव कर लिया है और इस पर थोड़ा सा मैंने ग्लिटर लास्ट में अप्लाई किया है। बहुत सारे लोग लिपस्टिक लास्ट में लगाना प्रेफर करते हैं, बट मैं लिपस्टिक पहले ही लगा लेती हूँ। लिपस्टिक लगाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक लिप लाइनर और उसके बाद में लिपस्टिक। बहुत सारे लोग लिप लाइनिंग अवॉइड कर देते हैं या तो इग्नोर कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लिप्स का प्रॉपर शेप चाहिए तो इसके लिए आपको लिप लाइनर यूज करना जरूरी है। नाउ लेट्स डू माई फेवरेट पार्ट, कॉन्टोरिंग। पहले मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती थी, बट जब से मैंने कॉन्टोरिंग सीखा है ये मेरा फेवरेट हो गया है। कॉन्टोरिंग की वजह से आपको फेस को प्रॉपरली शेप मिल जाता है। नोज कॉन्टोरिंग करेंगे और यहाँ पे चिक में भी आपको करना है और नीचे से जॉ लाइन प्रॉपरली आपको बनाना है। चलिए अब अपने फेस को चमकाते हैं मेबलिन के ये हाइलाइटर से। गाइस ये मेबलिन का हाइलाइटर बहुत सुपर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज परचेस कीजिए। हाइलाइटर एरिया आप वीडियो में प्रॉपरली देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद में आपके फेस का लुक ही चेंज हो जाएगा। अभी से फाइनल टचअप देंगे कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से। अगर कोई फॉल डाउन हुआ रहेगा उससे वो क्लियर हो जाता है। सब हो जाने के बाद में हमें सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना है। सॉरी मैं उसे शूट करना भूल गई थी। ये मेरा फाइनल लुक है, आप मुझे बताइए आपको मेरा ये लुक कैसा लगा हो। गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करके बताइए अगर ये लुक को आपको रेट करना होता आउट ऑफ 10 तो आप कितना रेट करते थे। स्टे नाइस एंड स्टे स्पाइस।